हेलो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो वाकई कमाल लगती है तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की वीडियो को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे PNG है, इमेजेस हैं या फिर कोई भी बैकग्राउंड वीडियो, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पहले उन्हें डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसमें से पहला एप्लीकेशन रोपोसो या गाना एप्लीकेशन, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन है स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रेसो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहां से आपको दोस्तों अपने किसी भी गाने पे वीडियो को बनाना है, उस गाने को यहां से आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है या फिर यहां से आपको देख लेना है। अगर आपको यहां से कोई गाना पसंद आता है तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपको गाना पसंद नहीं आता तो दोस्तों यहां से आप डायरेक्ट गाने को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं एक गाने को सर्च कर लेता हूं, खैरियत पूछो। तो दोस्तों यहां से मैंने इसे सर्च कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहां से ये गाना आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख लीजिए दोस्तों ये वाला गाना आ गया है, खैरियत पूछो छिछोरे फिल्म का है। यहां से मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहां से ये गाना चालू हो गया है, तो यहां से आपको इसे पहले बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको ऑप्शन दिख जाता है 1:9, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहां से, तो दोस्तों यहां से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहां से आ रहा है ऐड वाइब, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। अब आपको अपनी गैलरी से कोई भी ब्लैक फोटो को सेव कर लेना है। आपको ये ब्लैक फोटो पहले ही खींच लेना है या फिर आपको पहले ही कहीं से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको कोई भी ब्लैक फोटो को अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक ब्लैक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैलरी से। तो आपको भी इस तरीके से एक किसी भी ब्लैक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इस तरीके के एक ब्लैक फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आ रहा है गिव योर बाय बिग कैप्शन, तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ से एक लेटर लिख देता हूँ ए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपलोडिंग होने लगी दोस्तों, कुछ सेकंड में ही अपलोडिंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका देख ली दोस्तों अपलोडिंग हो चुकी है, लिख के आ रहा है अपलोडेड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से हमारा जो गाना यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा था, जो आसमान आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर का फोटो आ रहा है। अब आपको गाने को चला लेना है अपने यहाँ से। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको बैक जाना है और अपने यहाँ से आपको जो दिख रहा है आपको यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर आपको उसे चालू कर देना है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको चालू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से रेसो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और यहाँ से आपको अपने गाने को चला देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको गाने को 10-15 सेकंड तक चलाने के बाद इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। और फिर से दोस्तों अब आपको ओपन करना है काइनमास्टर एप्लीकेशन को। तो दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन सभी के पास होगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना बार्डर मार्क वाला काइनमास्टर एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक करके अपने जिस भी फोटो से वीडियो को बनाना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों आप जितना बेहतरीन फोटो को सिलेक्ट करेंगे वीडियो आपकी उतनी ही बेहतरीन बनने वाली है। तो दोस्तों यहां से मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से हमारा फोटो फुल साइज में नहीं आ रहा, तो फोटो को सबसे पहले आपको फुल साइज कर लेना है कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहां से मैं फोटो को आपको जूम कर देना है इस तरीके, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो यहाँ से मैंने इसे फोटो को जूम कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है, फोटो की लेंथ को आपको बढ़ा देना है, यानी कि जितने मिनट की आपको जितने सेकंड की वीडियो बनानी है उससे उतने तक रख देना है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 12 तक समथिंग रख दिया, 12 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन दिख जाता है विग्निटी का, आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इसे इनेबल करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक और ऑप्शन दिख जाता है लेयर का, आपको उस पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। और दोस्तों जो भी आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है रेसो एप्लीकेशन की, आपको उसे सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से ये फुल स्क्रीन हो चुकी है, अब जहाँ से आपको गाना लगाना है वहाँ से आप वीडियो को रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आगे से इसे काट देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसे मैं आगे तक कर देता हूं थोड़े यहां से, और उसके बाद यहां से मैं पीछे से काट देता हूं। तो आपको भी इस तरीके से रख लें दोस्तों, इस पे आपको सिलेक्ट करना है, यहां से आपको नीचे ऑप्शन दिख जाता है ब्लेंडिंग का, आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहां से आपको एक ऑप्शन दिख जाता है स्क्रीन, आपको इसे स्क्रीन कर देना होगा। जैसे ही आप यहां से इसे स्क्रीन करते हैं तो दोस्तों यहां से आप देख लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है और आपकी वीडियो में बहुत ही बेहतरीन यानी कि खैरियत पूछो गाना लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी गाने पर अपनी वीडियो को बना सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहां से आपको एक और बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए भी यहां से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और दोस्तों यहां से आपको एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां से ये वाली वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी आपको कैची के बराबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है।
ठीक है दोस्तों, इस पर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ब्लेंडिंग का, जो अभी आपने किया था इसे भी आपको स्क्रीन कर देना है। जैसे हम ऐसे इसे स्क्रीन करते हैं तो दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है और ये वीडियो काफ़ी बड़ी है तो इसे आपको पीछे से काट देना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से कितनी भी लेंथ की वीडियो को बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया हुआ है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो यहाँ से आप ऑडियो पर क्लिक करके अपनी गैलरी से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अपने मनपसंद गाने के साथ आप अपनी वीडियो को बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है तो वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए यहां से आपको शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहां से आपको 1080p 30 फ्रेम रेट रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर